मेरे चैनल पे आपने लकवा और अधरंग की जो है वीडियो देखी थी, जिसमें एक डॉक्टर चुटकी बजाते ही जो है उस बीमारी को तुरंत ठीक कर देते हैं। तो आज हम उनके जो है गांव में पहुंचे, जहां पे उनका क्लिनिक है, चरकी दादरी में इस वक्त मौजूद है। पिछली वीडियो में बड़े कमेंट आते थे भी डॉक्टर साहब का एड्रेस कहाँ है, डॉक्टर साहब का फोन नंबर दो। तो पहले दर्शन कर लो, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब क्या हालचाल है? हमारे साथ संदीप जांगड़ा जी हैं, जो कि स्पेशलिस्ट है, तुरंत जो है रिलीफ देते हैं लकवा और अधरंग में, और काफी हजारों लोगों ने जो इनसे इलाज भी करवा लिया है। इनकी वीडियो करोड़ों में वायरल हुई थी। तो अभी लाइव फिर से यहाँ पर एक पेशेंट है। कहाँ से आए आप? जी बिहार से। कैसे पता लगा इनके बारे में? जी यूट्यूब चैनल में देखा। अच्छा, हमारी वीडियो देखा था। हाँ जी। तो क्या दिक्कत क्या है अभी आपको? हमारे ये हाथ काम नहीं करता है। काम नहीं करता नहीं। तो चलिए डॉक्टर साहब, अभी आप अपना फिर से जादू करके दिखाइए। मैं अपने कैमरा पर से कहूंगा इस साइड से आ जाएं। तो अभी इसका पूरा जो है इलाज जो है, देखिए इनको जो भी प्रॉब्लम है वो यहाँ पर डॉक्टर साहब इनका तुरंत, इनको जो भी थेरेपी है वो देने वाले हैं और यहाँ पे इलाज करने वाले हैं। क्योंकि आजकल जो है हमारे देश में तरह तरह की बीमारियां हैं, अधरंग है, लकवा है, बहुत प्रॉब्लम है। उठता है तो इतना ही उठता है। पिछली वीडियो में भी ऐसे ही कुछ था, आप देखेंगे कि डॉक्टर साहब क्या करेंगे इनका इलाज। क्या आप कीजिए इलाज, हम देखना चाहते हैं क्या करते हैं आप, कैसे लोगों को। पिछली बार भी हमने आपकी वीडियो दिखाई थी, पहले भी बताया था, पेशेंट को सबसे पहले बीपी चेक किया जाता है और बीपी के लिए ये पॉइंट है K22 एक्यूप्रेशर के अंदर। इस पॉइंट को हम K22 के नाम से जानते हैं हर आदमी। अगर पेशेंट को बीपी हाई है तो ही क्लॉट बनता है। क्लॉट बनने के बाद अगर लेफ्ट में बनता है तो राइट में होता है, राइट में क्लॉट बनता है तो लेफ्ट हिस्सा उसका डिमेज हो जाता है। अभी इस पेशेंट का पैर नहीं हिलता है, लेकिन मेरे पास जो जितने भी केस आए हैं अब तक आपके वीडियो के माध्यम से, लाखों केस आए हैं, उनमें से ज़्यादा नहीं कहूँगा 95% केस तुरंत इंस्टेंट आराम हुआ है, जिनको पैर में दिक्कत थी जी। ठीक है, मैं आपको अभी भी दिखा सकता हूँ, ये पैर बिल्कुल पूरी तरह से काम करेगा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के बाद। चलिए तो मैं सर ये लाइव नहीं करना चाहूँगा, 1 मिनट का टाइम मुझे चाहिए प्लीज। चलिए हम थोड़ा कैमरा इधर करते हैं। डॉक्टर साहब अपनी थेरेपी क्योंकि सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि कुछ भी इनकी प्राइवेसी हो सकती है, इनकी टेक्निक है। और जैसे MDH मसाले वाले ये नहीं बताते ना कि उसके अंदर क्या मसाला डालते हैं, तो वही चीज़ है। अभी उधर पीछे इलाज चल रहा है उनका। तो हम अभी लाइव हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से ये सब कुछ पॉसिबल है। ना जाने सैकड़ों लोग बीमार हैं, हजारों घरों के अंदर ये बीमारी है, हर कोई परेशान है, लेकिन जहाँ से भी हल्की सी भी दवा दारू का पता चलता है कि वहाँ से इलाज मिलेगा, लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। तो लगातार उस वीडियो के अंदर जो है कमेंट्स आ रहे थे, और मैं कह रहा हूँ जी सैकड़ों लोग जो है हमें फ़ोन करते थे कि उस डॉक्टर का बताएं। हालांकि ये देख सकते हैं डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, हम थोड़ा सा आपको दिखाएंगे। तो देखो पैर में कुछ आ रहा, नलकापन है कुछ, है बुरा दर्द होने लगा। उठाओ पूरा, उठाओ उठाओ पूरा, जाने दो ऊपर, जाने दो, शाबाश। कुछ हल्कापन लगे आपको महसूस हुआ? आराम है, ट्रीटमेंट है, देते हैं आप क्या कुछ सर? वो परमात्मा की दया है, आशीर्वाद है उनका। बाकी पैर के लिए तो मैंने पहले भी बोला है, उनका हाथ भी थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। हाथ में किस तरीके से तो देख सकते हैं, खुलता नहीं होगा मेरे ख्याल से, मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। खोलो इसको, टाइट है ये देखो, हाथ इसका हमेशा ठंडा मिलेगा। अच्छा, हम इसको 2 मिनट में देखेंगे तो गर्म हो जाएगा जी। ये देखो इसका चेहरा देखो, ये हाथ इसका सीधा हो गया। ओह माय गॉड, ये हाथ खुल गया आपका। पंजा पहले ऐसे था, ऐसे हो गया। कब से दिक्कत आ रही थी आपको? 3 साल से। तो देख सकते हैं कि अभी डॉक्टर साहब इसको कितना और जो ट्रीटमेंट चाहिए प्रॉपर, ये नॉर्मल लाइफ में कैसे आ पाएगा? अब दिखाओ, ये आ जाएगा सर। इसको टाइम लगेगा 2 से 3 महीने, इसको आयुर्वेद मेडिसिन खानी होगी, जो मैं पहले भी देते आ रहा हूँ पेशेंट को। इंस्टेंट 20 से 50% रिलीफ हो जाता है, लेकिन गारंटी शब्द नहीं होता मेरे पास। अगर ज़्यादातर पेशेंट क्या करते हैं, गारंटी मांगते हैं, गारंटी मेरी खुद की नहीं होती कि मैं कल मरूं या जीऊं। लेकिन हमारी कोशिश होती है 99% पेशेंट ठीक होते हैं यहाँ पर। वो कहते हैं ना डॉक्टर, डेटॉल भी जो है 99% कीटाणु मारता है, 100% डेटॉल भी नहीं कहता। सर वो तो देखो अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हम लाइव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे को देखते हुए कुछ लोगों ने मतलब अपना बिजनेस बनाना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमारे पास काम करने वाले थे उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, तो उन लोगों से बचे, उन लोगों से बचे जो नकल करने वाले हैं उनसे बचे। अगर कोई मान ले 2 महीने मेरे साथ रहा, वो अपना आरोग्य केंद्र खोल के बदनाम कर रहे हैं, तो उनसे बचे। हाथ जोड़ के मेरे सभी से निवेदन है। और अपना जो एड्रेस है वो एड्रेस है, पहले मैं कुरुक्षेत्र जा पाता था लेकिन अब मेरे को टाइम नहीं है। और अपना ये गाँव के पास ही है, राशिवास से 4 किलोमीटर आगे बरसाना मोड़ के पास, कॉलर रोड स्कूल, एसिडी स्कूल के पास। फोन नंबर जो है एक बार हमारे दर्शकों को जरूर बता दीजिए, 9813042839 नंबर दूसरा है मेरा,
7206042839। डिस्प्ले में हम नीचे लिख देंगे नंबर, वहां से भी आप कॉल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस भाई को जो काफी ज्यादा रिलीफ हो रहा है, ये कोई फेक वीडियो नहीं है, ना ही हम फेक वीडियो बनाते हैं। अगर हमें खुद, आपने पहले बिलासपुर से सरदार जी उनकी वीडियो देखी थी, हमें खुद जो चीज अच्छी लगी है, हमें जो एक्सपीरियंस किया है, वही हम आप लोगों को बताते हैं। ये भाई बिहार से स्पेशल आया है, तो कुछ फर्क पड़ा है? सच बता रहा, झूठ मत बोलना। नहीं जी, बहुत फर्क पड़ा है, बहुत फर्क पड़ा है। तो देख सकते हैं कि अब आपको एड्रेस बता दिया गया। अगर आपके आसपास भी कोई इस तरीके की बीमारी है, कोई परेशान है, तो उसके साथ कोई ऐसी बीमारी है जिससे कि आप इलाज कराना चाहते हैं, तो डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। गारंटी कोई नहीं है, लेकिन इलाज जो है पक्का होता है। यहाँ पे हमने खुद एक्सपीरियंस किया है, और सबसे बड़ी बात है गोल्ड मेडलिस्ट है वो, उसके बारे में थोड़ा मैं जरूर बताएं। सर मैं एक बात और कहूँगा पेशेंट को, बीच में थोड़ा सा बोल लूंगा। मेरे पास जो पेशेंट आए हैं, एक्सपीरियंस हुआ है उसमें, ये होता है जैसे पेशेंट को लकवा आ गया तो उसको पॉइंट दबाओ, सीधे डायरेक्ट सिविल हॉस्पिटल ले जाओ। आप आयुर्वेद के चक्कर में फेस्ट में ना पड़े, क्योंकि जो टेबलेट बीपी के लिए हैं, जो खून पतला करने के लिए हैं, वो आपका डॉक्टर न्यूरो का ही दे पाएगा, हम लोग नहीं दे सकते, हमारे पास कोई अथॉरिटी नहीं होती है। आप उस पेशेंट को तुरंत किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे में ले जाएं, और उसको जो बीपी की जो दवा है वो लगातार कंटिन्यू वहीं से चलाएं। मेरे पास तुरंत लाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास एक साल बाद भी लेके आओगे, 10 साल बाद लेके आओगे तो भी पेशेंट ठीक होने के चांसेज हैं। लेकिन स्टार्टिंग में ही आप गलत कर देते हो तो पेशेंट को बार बार झटकाना स्टार्ट हो जाता है। तो मैं आपसे सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे ऐसी कमाई की जरूरत नहीं है। पेशेंट को तुरंत आप किसी बढ़िया हॉस्पिटल में दिखाओ जो आपके नज़दीक है। अगर वहां पर आपको आराम होता नहीं है, फिर मेरे पास लेके आओ, 2 महीने 4 महीने 6 महीने कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट की क्या होती है जी, बीपी की दवाई ले रहे हो, बोला जी नहीं हमने बंद कर दिया, उसको सेकेंड अटैक आ जाता है। दूसरी बात, उसको सेकेंड अटैक इसीलिए आता है कि वो आप डॉक्टर की दवा बंद कर देते हो। आयुर्वेद काम करता है, एक्यूप्रेशर काम करता है, 100% करता है मानता हूँ, लेकिन इंस्टेंट जो है वो आराम जो बीपी के लिए है वो आपको इंग्लिश दवा से ही मिलेगा। और दूसरा मैं पॉइंट आपको बता चुका हूँ, अगर किसी को तुरंत आ जाता है तो यहाँ से पॉइंट दबाइए आप, ये वाला, उसके बाद यहाँ से दबा दीजिए। ये 2 पॉइंट दबाने से पेशेंट को तुरंत अगर होता है तो भी आराम मिलेगा ही मिलेगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो से काफी जानकारी मिली है। नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए बने रहे HR71 न्यूज के साथ।